हमारे नाजरीन आपका मेजबान की फिरमानी आपको शामिल कहता है दोबारा से लाइव टी वी डॉट टी वी की नियमित रमजान नशियात में। और अब हम अगस्त पर हमारा एक सेगमेंट है, हम भी अगस्त पर जिसको एक खासा पेश करते हैं, लेकिन उसके जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन टीम कोशिश करती है रोज़ रोज़ बेहतर बनाने की, हमारी प्रेजेंटेशन जो होती है और हमें आपकी फीडबैक भी मिल रहा है www.facebook.com/thelivetv.tv पे, और हमें लाइव कॉल भी आपकी मिल रही हैं। तो लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि मैं बहुत ज़्यादा शायद तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें ज़रा थोड़ा ठहराव पैदा करूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मैं पूरा कर सकूँ। और दूसरे एक साहब ने जो है हमारी प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो मैंने जब जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा मुझे में बयान मारा था, तो मैंने वो दुआ पढ़ी थी, तो मैं उसको रिपीट करूँ। उन्होंने बताया था नहीं कि स्पेसिफिक दुआ को वो चाह रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल जो बहुत ही जिद्दी कौम थी उनके लिए काफ़ी दुआएँ मांगी, लेकिन मेरे ख्याल है वो उस दुआ का जिक्र कर रहे होंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए खासतौर पर परवरदिगार से मांगी अपने मसीह के लिए। तो वो दुआ के बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, आपको बताया फ़िरऔन के यहाँ उनकी परवरिश हुई, उस तरह वो पहुँचे तो फ़िरऔन ने सबको बोल दिया था कि बनी इसराइल की कहानी हो, और नजीब ने बताया था बनी इसराइल को एक लड़का ऐसा होगा कि बनी इसराइल में से वो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, उसने बनी इसराइल के इतने लड़के पैदा होते थे उनको वो बाल बनवा देता था और लड़कियों को छोड़ भी होगा, लेकिन खुदा की मशीयत के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा परवरिश हुई तो उसके यहाँ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेल रहे थे तो फ़िरऔन ने उनको गोद में उठा लिया छोटे थे, तो फ़िरऔन ने जब गोद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जब गोद में लिया तो नबी थे, नबी तो पैदाइशी नबी होते हैं, तो उन्होंने फ़िरऔन की धाड़ी को खींचा और शायद उस धाड़ी के बाल वगैरह टूट गए, तो फ़िरऔन को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बोला कि ये मुझे वही लड़का लगता है और मैं इसको जो है कत्ल कर दूँगा, तो जनाब याद दिया तो फ़िरऔन की दौजा थी उनके बारे में कुरान में भी आया कि बहुत ही नहीं तो पाकिजा थी मोमिना थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बच्चा है आपको इससे क्या कहना, अच्छा मैं इसका भी इम्तहान लेता हूँ, अगर यहाँ बच्चा है तो उन्होंने एक तरह में गोले मंगवाए और एक तरह में शर्फियाँ मंगवाई कि अगर यहाँ बच्चा होगा तो ये जो है ये कोयला उठा लेगा, और अगर नबी होगा नबी का नबी नबी होता है बदायशी तो वो कोयले को नहीं उठाएगा, तो उसको शऊर होगा तो वो अशरफियों को उठाएगा, तो खुदा की मशीयत ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वजह अशरफियों की तरफ हाथ बढ़ाने के कोयले को उठाया और अपने दाहिने मुबारक में कोयला रख लिया और थोड़े से वक्त के लिए रखा था, लेकिन ये कि उसकी वजह से उनकी जबान में जो है सख्ती पैदा होगी, उसकी लुकनीत होगी जबान में कि वो उनकी बात से इतना जो है लोगों को समझ नहीं आती थी कि बात में इतनी जो नहीं था बात करने में, तो इसी रीजन की वजह से जब वो कोई दूर से हजरत अल्लाह ताला को हुक्म हुआ और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने फिर दोबारा से मिस्र में दाखिल हुए अपनी दौलत जनाब सफूरा के साथ, तो अपनी माँ से मिले और जिसको वाक़ात हुए उस वक्त उन्होंने जब अपने घर पहुँचे और तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि है वारी ताला कि ये जो है मेरी इस गुलाब में जो है ये खोल दे और मेरे जमाने में लुकनियत है और मेरा वसी बना दे, उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बताया कि मैं ये औसाफ हैं और इनको मेरा वसी बना दे ताकि मैं सही तरह की बात जो है ये अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूत अदा की और उनको अल्लाह सलाम का वसी बना दिया, तो ये वो दुआ थी अल्लाह सलाम ने मांगी फिर उनके दरबार में जाने से पहले अल्लाह ने उनको ये दुआ की। तो अब नाज़रीन हम कल जिक्र कर रहे थे हजरत हम तालूत का और जालूत का इस तरह जो है वो तालूत ने जब हमला किया जालूत पे तो लोग जो बनी इसराइल थी हमेशा की तरफ कौम थी, पहले वो इतरार करते थे कि सात दिन इनकार करते थे, तो उनमें से ही शख्स ने आगे बढ़ के वो तालूत से बोला कि मैं मुकाबला करूँगा जालूत का, और वो शख्स ने दाऊद अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने गोपन से जो है वो जो एक हथियार होते जो घुमाती दिखते हैं जालूत पे वार किया और जालूत का सर जो है वो तीन टुकड़ों में तकसीम हो गया और वो जिस चीज़ पे भी सवार था उसमें गिर पड़ा और साहब उनकी लश्कर को जो है तालूत के जोशा और उन्होंने जालूत के लश्कर को
माहौल बर्बाद कर दिया। और तारुफ ने इससे पहले जो है वो एक वादा किया था कि जो भी फतह जिसकी वजह से फतह हासिल होगी उसके साथ वो अपनी लड़की से जो है उसका निकाह करेगा और भी संतरा जो भी उसके सरदार बनाएगा। तो इस वाक्य लिए वाक्य में जो वादा था वो तारुफ ने पूरा किया और बनी सारे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है वो अपनी लड़की के साथ उनका निकाह किया और उनको अपनी बादशाहत में भी शरीक कर दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अब पता है कि दबूत नाजिल हुई मतलब रूह अज़म पैगम्बरों में से दाऊद अलैहिस्सलाम है मतलब मूसा के बाद जो है दाऊद अलैहिस्सलाम उनके जो है तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम की दबूत नाजिल हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो है वो इंजील नाजिल हुई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नज़ूल जो कि आखिरी किताब है और ये पाँच रूह अज़म पैगम्बर हैं 124,000 अंबिया में से वो अपनी शरीयत लेके आए। तो जनाब मैं जिक्र कर रहा था थोड़ा सा कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही खुशगुरू उनको आवाज़ दी थी तो और जब वो तलावत करते थे जबूर की तो चरन परिन सब उनका इतनी खुशगुरू उनकी आवाज़ थी कि ऐसा लगता था कि वो नगमा सराही कर रहे हैं असल में वो तलावत कर रहे होते थे अल्लाह की शान में। तो सब चरन परिन उनकी अब आके वो सुनते थे और अल्लाह ताला ने उनको एक भी वक्त दिया था कि वो परिंदों की गुफ्तगू को समझते थे और वो जो है उसको वो उनकी जबान को जो है बहुत अच्छी तरह समझते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी और उनकी बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज समझना कि जो कोई ना कोई एक हुनर अता फरमाए एक आइडेंटिटी दी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इल्मी कीमिया अता फरमाया था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने असमा का इल्म दिया था जिसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे को मोम करने का उनको इल्म दिया। तो वो ज़रा जो है ज़रा पुराने वक्तों में एक जो फौजी होते थे एक किस्म का लिबास पहनते थे अपने सीने के ऊपर जिससे उनको तलवार वगैरह से और हाथों पर भी होता था उनको प्रोटेक्शन मिलती थी तो तलवार का वार करें तो वो ज़रा जो थी लोहे की होती थी तो उसे टकरा के जो है वो उनकी कुछ एक फैटल इंजरी नहीं होती जिससे उनकी मौत वाकई हो जाए जो भी सिपाही थे तो वो उस ज़माने में बहुत ही भारी भारी बनती थी। लेकिन जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फना लग गया कि वो लोहे को मोम करके उसकी बारीक तारों से ऐसी ज़रा बनाते थे जो बहुत मजबूत भी होती थी और बहुत हल्की भी होती थी एज कम्पेयर टू अदर ज़राएँ जो बनती थी तो वो लोगों उसको आने से फैल करते और वो अपने जो अखराज थे वो ये नहीं कि जो बादशाह वक्त ने उनको सुल्तानुत ने उनको अपना दामाद बनाया तो उसमें पूरी गर्दन के खानदान के जो अखराज थे वो ज़रा बना के वो उसको फरोख करके उससे पूरा करते थे। जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी इंसान का बेहतरीन रिस्क उसके अपने हाथ की मेहनत से कमाया हुआ रिस्क है और बेशक अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से मेहनत करके रोजी कमाते थे। तो ये पैगम्बर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अपने हाथ से करके रोजी कमाते थे। तो आप सोचें नाज़रीन कि पैगम्बर जो थे वो भी अपने हाथ से मेहनत करते थे तो हम तो उनके हाथ के बराबर भी नहीं हैं। हमें किसी काम में याद नहीं होनी चाहिए हमें हलाल रिस्क कमाने के लिए हमें काम करना चाहिए किसी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे दुआ मांगा करते थे अल्लाह से कई सूरत पैदा करते कि मेरे लिए हाथ की कमाई आसान हो जाए क्योंकि मैं बैतुलमाल पर अपनी माश का बोझ नहीं डालना चाहता जैसे मैंने आपको बताया। दरअसल दाऊद अलैहिस्सलाम का पाक जज्बा इसी पैगम्बराना इम्तियाज में करता है जिसका जिक्र कुरान करीम में तमाम कुरुलज़म पैगम्बरों के कुछ जो हदायत कुरुलज़म मैंने बताया जो कि शरीर लेते हैं हिदायत के सिलसिले में किया। नबी अपनी उम्मत को जब पैगाम ले सुनाता है साथ ये भी कह देता है मैं तुमसे इसकी खिदमत में कोई मुआवजा नहीं चाहता मेरा मुआवजा तो अल्लाह के जिम्मे और सूरह यासीन भी आप माशाल्लाह पढ़ते होंगे सूरह यासीन में भी यह है कि जब अल्लाह ताला ने जो है अपने दो पैगंबर भेजे योहन्ना और तो लोगों ने कहा कि अभी जैसे ही हो तो उसमें ऐसी बात क्या है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने सूरह यासीन फरमाया कि ये इनकी बात तो लोगों ने बोला कि इनकी बात मानो उनमें से एक जो था आया जो साहिब फेर इल्म फहम था
उसने बोला कि नहीं, इसकी बात मानो, ये जो है अल्लाह के बनाए हुए हैं और इनको जो है कोई इसका मुआवजा नहीं लेते, ये तुम्हारी तरफ जो है अल्लाह की बात कायम करते हैं। जो चुनाजी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश और कारण की फजीलत के साथ कबूल फरमाया कि उनके हाथ में लोहे औलाद को मोम की तरह नरम कर दिया, जिस तरह वो जरा बनाते थे तो सब मेहनत और मुशक्कत औलाद और आलाद के बगैर फलाद भी जिस तरह चाहते थे काम में लाते थे, मतलब उनको इतना उनके हाथ में कुत थी कि वो फलाद को मोम कर देते, उनके हाथ में लोगों के लोहा मोम की तरह बासानी या कभी मिश्र इख्तियार कर लेते जरा बनाते थे। एक मरतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में दो शख्स से मुकदमा लेकर हाजिर हुए, उन्होंने दावा किया कि इसकी रौदात ये सुनाई के मौत गई मुद्दा लाई है कि बकरियों के गलने से तमाम खेतियाँ तबाह बर्बाद कर डाली हैं और उसको जो है वो रोन डाला है खेतियों को। अल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी इल्म और हिकमत के पेश नज़र फैसला किया मुद्दे की खेती का नुकसान, चूँकि मुद्दा लाई है कि गले की कीमत के करीब करीब मुतवाजन है पूरा गला मुद्दे को ताउन में दिया जाए। सलाम की जो दाऊद की बच्चे अल्लाह तला ने उनको कैश दी, जब वो दुआ मांगी अल्लाह ने उनको कैश कर दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको पता चल जाता था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे पहले ही मैंने उनके कैश में आपको वाकई बयान किया था कि अल्लाह सलाम के साथ शिकायत लेके आया कि इसने जो है मेरी कुछ चीज़ ले ली है, इसने बोला कि नहीं कैश तो मालूम होगा ना, हाँ चीज़ तो ली है लेकिन ये मैंने इनको बाप को मार के से गाय जो छीनी थी हासिल की थी जो भी जायदाद दी थी, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको जो है सजाए मौत दी थी। तो उस वक्त लोग बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी भी और जब मुजरिमों से तो छोड़ रहे हैं और जो इल्ज़ाम लगा रहे उसका सजाए मौत दे दी। तो उन्होंने फिर बताया कि इस तरह है कि ये कष्ट के जरिए जो है मुझे दिल था कि असल में जो गुनहगार था वो ये लड़का नहीं था, गुनहगार ये था जिसने उसके बाप को मारा था, उससे उसने ये चीज़ हासिल की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, क्योंकि उम्र 11 साल की थी तो अपने वालिद से माजी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ही बैठे थे, वो कहने लगे अपने वालिद माजी से अगर कि आपका फैसला सही है मगर इससे भी ज़्यादा मुनासिब शक्ल ये कि जो उन्होंने फैसला किया अभी रेवड़ का और बकरियों का उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि इससे ज़्यादा मुनासिब शक्ल ये है कि मुद्दा अलैया के तमाम रेवड़ मुद्दा के सपुर्द कर दिए जाएँ और उसके दूध और उसके ऊन से फ़ायदा उठाए और मुद्दा अलैया से कहा जाए कि वो उस दौरान में मुद्दे की खेती खत्म अंजाम दे और जब खेत की पैदावार अपनी अच्छी हालत पर वापस आ जाए तो खेत मुद्दे के सपुर्द कर दे और अपने रेवड़ वापस दे दे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मतलब वो भी नबी थे कि बेटे का रखना पसंद आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ हम पढ़ते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे बहुत ही ऐसे पैगंबर थे जिनको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस पर अल्लाह ताला ने सिर्फ जमीन पे इंसानों पे नहीं जिन पे बल्कि सबके हुकूमत दी थी अता की थी और वो अल्लाह शेर करते गैर अल्लाह अल्लाह के हुकूम से सबके ऊपर वो काबू था, चाहे जिन हो चाहे इंसान हो जो चलेंगे हो चाहे पढ़ेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ही उनको सब के ऊपर अल्लाह के हुक्म के बाद सबको उन पर कंट्रोल था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनका जिक्र जो है सूरह नमल है, नमल का मतलब होता है चूंटी, सूरह नमल की आयत नंबर 15 और 16 और में जिक्र भी है, मैं उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें शक नहीं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही मता किया और दोनों ने खुश होकर खुदा का शुक्र है जिसने हमको अपने बहुत से ईमानदार बंदुओं को फजीलियत दी और इल्म और हिकमत ज़्यादा से मनफूला गैर मनफूला सब ने सुलेमान और दाऊद के वर्षा हुए और कहा लोगों हमको खुदा के फजल से परिंदों की भी बोली सिखाई गई और हमें दुनिया की हर चीज़ अता की गई, इसमें शक नहीं ये यकीन खुदा का सही फजल करम है। तो आपके इसमें ग्रामीण सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुरान में 14 मरतबा मुहमत आया है और आपका सिलसिला नसब भी वही चंद थोड़े वक्तों थोड़े अरसे के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जा मिलता है और रिवायत यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी उम्र में बहुकुम खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानशीन मुकर्रर किया। मैं बार बार ये आपको ये बताता हूँ कि जो भी नबी के जानशीन होता है वो खुद नबी मुकर्रर नहीं कर सकता, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हारून अलैहिस्सलाम को
की बनाए, उसी के बाद उन्होंने दुआ की तो इंतकाल उनकी जिंदगी में हो गया। उस दौरान भी शामिल हूँ वो जो थे उनकी बनी सारी जो महबूस की गई। इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है जब अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनको वही के जरिए बताया तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनका वसी और जानशीन मुकर्रर किया। और उसके बाद जब जानशीन उन्होंने मुकर्रर कर दिया तो उसके गुज़रते बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। और सब रिवायतों में लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 77 साल थी। और आपको बैतुल मुक़द्दस जो है जो इस इस्राइल के कब्जे में जो रोशन उसको कहते हैं वहीं आपको तकसीम हुई आपकी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं जिन्हें आपको बताया। सुलेमान सुलेमान भी दाऊद की वालदा एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई, बेटा रात भर ना सोते रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन हमारे ख्याल से मोहताज बना देता है। उनकी वालदा ने उनसे बोला कि जरा तकलीफ को कम किया करो, रात भर नहीं सोया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत बात खसूसियात और इम्तियाज़ात से नवाजा और अपनी नियमतों में से बहुत से ऐसी नियमतें अता फरमाई जो उनकी जिंदगी मुबारक तौर पर इम्तियाज़ मिली। बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमद अल्लाह के लिए ही ये ज़ेब है जिसने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर हमें फजीलियत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़े आरिस हुए और उसने कहा लोगों आपको परिंदों की बोलियों का इल्म दिया गया और हमको हर चीज़ बख्शी के बेशक खुदा का खुला हुआ फजल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत हक की खसूसियत ज्यादा में से एक इम्तियाज़ ये भी था कि अल्लाह ताला ने हवा को उनके हक में मुसक्कर कर दिया और उनके ज़ेर फरमान कर दी, मतलब हवा भी उनके अल्लाह ताला ने उनके हुक्म के ताबे कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते थे तो सुबह एक महीने की मसाफत और शाम को एक महीने की मसाफत की मकदार सफर कर लेते थे और जब तल जो था वो हवा उसको लेके हवा को दोष छोड़ती थी तो महीनों की मसाफत जो है वो सुबह और शाम में वो पूरी कर लेते थे। और तस्खीर जिन हैवानात का भी यहाँ जिक्र आता है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंसानों पर नहीं जिन्हों पर भी अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में एक बड़ा इम्तियाज़ जो तहरान में से किसी और को नसीब नहीं हुआ किसी और का नंबर, वो ये था कि उनके ज़हर में भी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन हैवानात भी ताब फरमा थे। तो कुरान हकीम में भी जो है सूरह तौबा में एक वाक़िया भी है कि जब उन्होंने तख लाने को कहा मलका सुबह का तो सब जिन्होंने जो है आगे में इतनी देर में जाएंगे इतनी देर में जाएंगे इतनी देर में जाएंगे, लेकिन उनके जो वजीर थे उन्होंने ये बोला कि मैं आप पागल छपकते में मैं हाजिर कर दूँगा। तो वो बेसिकली वो इल्म इल्म था उनको इल्म के तौर पर उन्होंने वो तख हाजिर कर दिया। तो बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वो हिस्से में आई। तो हज़रत दाऊद ने जिनको ऐसे मखलूक बनाया कि जो मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त काम अंजाम दे सकती है, इसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मस्जिद उस वक्त उसको हैकल कहते थे, उसको आजकल हैकल सुलेमानी आप बहुत सुनते होंगे कि यहूदियों का जो है मुकद्दस हैकल सुलेमानी, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे तो यहूदी जो मुसलमानों को बिल अव्वल भी है बैतुल मुक़द्दस तो वो हैकल सुलेमानी जो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तामीर किया तो ये उनकी वो है। ये यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से क्लेम है, तीनों का क्लेम है बेहतर देखा जाए तो बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का एक क्लेम है हैकल सुलेमानी है, हम मुसलमानों का एक क्लेम है मुसलमान का ही है पहला कबला है कबला अव्वल है, और ईसाइयों का भी क्लेम है कि उसकी गरीबी चर्च नेटिविटी का चर्च है उसके बाहर जो है जनाब मरियम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का है और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलीब पे चढ़ाया है उसको सूरी मुर्रा अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनको वापस जिंदा उठा लिया और कहाँ से पहले वो आएंगे वो भी जरूशन में ही बैतुल मुक़द्दस में ही वो मुकाम है जहाँ से उनको अफवाह ने उठा लिया गया। तो इसलिए बड़ा सेंसिटिव जगह है और तीनों अफवाह ही है मुसलमान यहूदी और ईसाई के बड़ा ही एक टचिंग पॉइंट है बैतुल मुक़द्दस, इसकी वजह से जो है सारी दुनिया के हालात अनस्टेबल रहते हैं आप देखते रहते हैं फलस्तीन में या बरक में एक बात से बात नहीं कर रहे तो मैंने जिक्र किया कि ये तीन ये बेसिकली तीन रीज़न है कि तीनों जो वो हैं मजाहब उनके लोगों का बैतुल मुक़द्दस
तो सुलेमान अलैहि सलाम को जब जिन जो थे वो मैंने बताया गया मुश्किल से मुश्किल और सबसे सख्त काम जो है वो अंजाम दे सकते जो मखलूक इसलिए सुलेमान अलैहि सलाम ने ये इरादा फरमाया के वजीर से उनका हाँ मुझे नाम याद आ गया उनके वजीर का नाम था आसिफ बर्फिया हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम पे जिन्होंने बोला कि मैं पलक झपकते ही कत्ल किया करूँगा इनके जोर हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम तो वो चारों तरफ उन्होंने सोचा कि हैकल मस्जिद को एक अजीम शहर आबाद की जाए मस्जिद की तामीर भी सुलेमान की जाए उनकी ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद शहर को बेशकीमत पत्थरों से बनवाएं और इसके कल्ब वजूद से हसीन और बड़े बड़े पत्थर मंगवाए गए और उस इलाके में काफ़ी पत्थर गए हैं उनसे ज़ाहिर है कि ज़माने के रसल व वसायल के महदूद और मुख्तर वसायल सुलेमान सलाम की ख्वाहिश तामीर के लिए काफ़ी नहीं थी इसलिए सिर्फ जिन ये काम अंजाम दे सकते थे किसी की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कि बड़े बड़े पत्थर इस जगह से उसकी जगह बुक की जाते हैं तो जिनों से काम ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों से पत्थर इकट्ठे करें और बैतुल मुक़द्दस की तामीर करें और उस साथ ही शहर को आबाद भी करें और सुलेमान अलैहि सलाम ने जिनों की देख खिदमत ली चला कि वो दूर दूर से खूबसूरत और बड़े बड़े पत्थर जमा करके लाते और पर बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम करते खूबसूरत तामीर का काम करते और जिनों पर सलमान सलाम इस्तेमाल कर रहे थे तो नादिर ने सब मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए और कहने जाए कि देखते रहिएगा अम्बिया का सफर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और हम इस और दिलचस्प सिलसिला है अम्बिया का सफर को जारी रखते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम वापस खूबसूरत और यूनिक
क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनैलिटी उनके लोडे साइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरे मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माय प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 ऑनवर्ड्स. सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम. Was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad, and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है, based on our services, trained guards. We give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance. Well, there are a few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है, all the way from UK to Karachi and other parts of Pakistan as well. कि हमारे guards वहाँ पे train करता है. वो training क्या होती है basically? Basically वो train करता है हमारे guards को कि civil प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज कस्टमाइजेशन. वी बिलीव इन वर्किंग टू वेज. टू वेज इन अ वे वी आस्क आवर क्लाइंट व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट्स. सो लिस्ट दे लिस्ट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स, वी स्कैन इट एंड वी कॉल आवर क्लाइंट टू कम टू आवर ऑफिसेस एंड सेलेक्ट द गार्ड. वो अपनी पसंद का भी गार्ड सेलेक्ट करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. हासिल की, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान इतने बड़े बड़े पत्थर जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं आ सकते थे. तो ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत पत्थर जो थे वो जिन लोग जिन जो थे वो लेके आए और उन्होंने जो है इंसान की जो शक्ल मतलब वो दिमाग खराब रह जाता है कि किस तरह वो बड़े बड़े पत्थर जो थे वो इतनी ऊंचाई पर लेके गए और उनके अंदर जो है हम आहंगी पैदा की गई और उन पत्थरों को एक से दूसरे से मिलाए गए. तो ये इंसानों का काम था, जिनों का काम था. तो इस कौम जिन जो थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम श्री बैतुल मुक़द्दस क़िला वाली तामीरात बारह चीज़ें बनाई जो ज़माने के लिहाज से अजीब व गरीब समझी जाती है. चुराने जी पुराने करीम में मशद जतान सर के जिनों में से हमने मफ़खर कर दिया और जो सलेमान के समंदर में गोता मारते यानी बेशकीमत वेरिएशन निकालते हैं उसके अलावा बहुत से काम जान सकते. हम उनके लिए निगरान और नगहबान थे और जिन्हों में से वो थे जो उसके सामने खतरा अंजाम देते थे उसके पर गुजार से जो कोई उनमें से मालकों के खिलाफ कजरबी करे उसको दौलत का अजाब चिकाएंगे. वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाह रहा था, किलों की तामीर, हथियार,
और तस्वीर और बड़े बड़े हौज की माने और बड़ी बड़ी देवें जो अपनी बुराई की वजह से एक जगह जमी रही। आल दाऊद अलैहिस्सलाम शुक्रगुजारी के लिए काम करो और जो मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार है। हजरत शाह अब्दुल कादिर से रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ऐसे अजीम शान एहसानात किए और फिर यहाँ तक फरमाया कि बेपनाह दौलत सरबत सिर्फ वो खर्च दादे ऐश रोक और रोक कर रखने में तुमसे कोई बात सूरत भी नहीं है, मगर इन तमाम बातों के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस दौलत हुकूमत को मखलूक और खुदा की खिदमत के लिए अमानत इलाही समझकर एक पैसा अपनी दौलत को सरफ नहीं फरमाते थे बल्कि अपनी रोजी टोकरियाँ बनाकर आते थे। सुभान अल्लाह, जो नाजिर की दूसरी मिसाल है कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे उनको सिर्फ इंसान नहीं जिन्हों की हुकूमत थी, हवा भी उनकी ताबे थी अल्लाह के हुक्म से, और वो पैगंबर भी अपनी रोजी या टोकरियाँ बना के आते थे। यहाँ तो लोगों को छोटी सी कोई चीज़ मिल जाए तो समझते हैं वो बस उनसे आगे कोई है ही नहीं। तो आप इससे सबक हासिल करें कि उनके वालिद भी ज़रा बना के जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात अपने खाना में अपनी पूरा करते थे बादशाह होते हुए भी। और सलमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह जो किसी पैगम्बर को भी तो जिन्हों में हुकूमत नहीं थी वो जिन्हों पर जो है वाकिन थे, हवा उनके ताबे थी और उसके बावजूद जो चाहे करते थे अपनी ज़रूरियात जो थी। एक साहिली मुसनफ़ है बैज़दी का नाम है, उसने इस मुकाम पर कि ये रिवायत नकल की है कि कौम जिन ने तब से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस कारीगरी से बनाया था कि तब से नीचे दो ज़बरदस्त और खौफनाक शेर खड़े थे और दो गधे मौलक थे, और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो गिद मौलक थे और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तब हुकूमत जज्बा अफरोज़ होते होने के लिए तख्त के करीब तशरीफ ले आते तो दोनों शेर अपने बाजू फैला कर बैठ जाते और तख्त नीचे हो जाता, वो बैठ जाते तो दो शेर भी खड़े हो जाते और फौरन हैबतनाक गिद अपने परों को फैला कर सारे मुबारक पर साया फंजन हो जाते। इस तरह उन्होंने पत्थरों से बड़ी और भारी देर बनाई थी जो चूनों पर कायम थी और इतनी भारी थी कि उनको हरकत देना नहीं आ सकती थी, और बड़े बड़े हौज पत्थर तराश कर बनाए थे शहर बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को भी होती है अकेले सुलेमानी भी करते हैं, और उनके सब अशिया की तामीर और कारीगरी में सिर्फ 7 साल लगे थे। और आपने मुख्तलिफ जगह पर इन तामीरी खदमात का तफसील के साथ जिक्र है। अब तांबे के चश्मे की तरफ हम आते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके दौर में बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ीम शान इमारत और बहुत बड़े बड़े किलों की तामीरात करवाई जिन्हों से, तो ऐसी तामीरात के इस्तेमाल में मतलब मजबूती में भी बहुत जल्दी रखते थे। इसे ज़रूरी थी कि गारे और चूने के बजाय पिघली हुई धात गारे की तरह इस्तेमाल की जाए, लेकिन उस वक्त कदीम निज़ाम कैसे मैसर है ये सवाल था जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मुश्किल का तरह हल कर दिया, उनको पिघले हुए तांबे के चश्मे मराहत फरमा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें एक साथ सफ़र कर रही थी और दोनों के साथ उनकी शीरखवार बच्चे भी थे। राह में एक औरत के बच्चे को भेड़िया उठा कर ले गया और जो बच्चा बाकी रहा दोनों उसके लिए आपस में झगड़ा करने लगी। दोनों का दावा थे बच्चा मेरा है और दूसरे का भी बच्चा भेड़िया ले गया। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये मामला पहुँचा तो उन्होंने फसल कलैया के असूलों पर कश्म के मुकदमे की अवदात सुनाकर बड़ी के हक में फैसला दिया, इसलिए कि बजाय बच्चा बड़ी के कब्जे में था छोटी इसके कब्जे के खिलाफ दवाई ना पेश कर सकती। जब औरतें वापस होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी तो उन्होंने उनके कजिए की तफसीलात दरियाफ्त फरमाई और सुनकर हुक्म दिया एक छुरी लाई जाए और इस बच्चे के जोड़ फूट करके एक एक बड़ी को और एक छोटी को दिए जाए। बड़ी खामोश रही मगर छोटी शोर वाम करने लगी, खुदाए बच्चे के तो टुकड़े न कीजिए, मैं बड़ी के हाथ में दस्तदार होती हूँ, बस सभी को यकीन आ गया कि बच्चा छोटी का है और बड़ी का दावा छूटा है, लिहाजा बच्ची छोटी की आवाज़ में कर दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हवानात की गोलियाँ स्मरण बताया समझने के लिए मता फरमाया था। चुनाव इसके लिए
कुरान का एक वाक है कुरान करीम में, वादी नमल जिसे सूरह नमल भी है, चूटी चूटी है, मैंने आपको बता दी शुरू में जिक्र भी है कि बस्ती चूटियों की बस्ती के मुताल है कुरान में। फिर एक मजा सलमान असलम जिन इंस और हैवानात तजीम लश्कर की जरूरत में किसी जगह तशरीफ ले जा रहे थे, लश्कर की कसरत के बावजूद किसी तबके के अफराद की भी मजाल न थी, और अपने दर्जे और रुतबे के खिलाफ आगे पीछे होने की बेतरतीबी कमर रफ्तर हो सकी मुरतकब हो सकी, तब फरमा दरबारदार लश्करियों के दरबार सलमान असलम की हैबत से अपने अपने कबीले से फौज तब फौज चले आ रहे थे। लश्कर चलते चलते कैसी वादी में पहुंचा, चूटियाँ बेशुमार थी और पूरी वादी उनका मस्कन बनी हुई थी। चूटियों की मलका ने लश्कर के कफीर लश्कर को आते हुए देखा, अपनी मत से कहा, चूटियों से कहा, तुम फौरन अपने अपने गिलों में घुस जाओ। सलमान अलैहिस्सलाम और सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को क्या मालूम को तुम उस कसरत के साथ वादी में रिंग रही हो, माँ मालूम उनके घोड़े और प्यादों के नीचे हम में से कितनी तादाद बेखबरी में रोन की जाए। सलमान अलैहिस्सलाम जो जानवर की बोली समझते हैं, चूटियों की मलका की ये बातें सुनी तो उनको हंसी आ गई और उसके अखलाना हुक्म की दाद देने लगे। फिर वाक़ खुद कुरान करीम से सुने, कुरान करीम शायद होता है और बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म नबूवत बख्शा और उन दोनों ने कहा, तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने हमको अपने बहुत से मोमिनों बंदों को फजीलत दी। और दाऊद अलैहिस्सलाम का बरतन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ, उसने कहा कि लोगों हम खूब परिंदे हवानात की बोलियाँ समझने का अर्ज दिया कि और हमारे लिए हाशिया मुहैया कर दी गई, बेशक ये खुदा का खुला हुआ फजल है और हवा लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन इंसानों परिंदे हवानात और दर्जा बदर्जा खरीने के साथ आगे पीछे चल रहे थे। हत्ता के वादी नमला पहुंचे तो एक चूटी ने कहा, चूटियों अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुमको पीट डाले। चूटियों की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और कहने लगे, ऐ परवरदिगार मुझको ये तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रगुजार करूँ, तूने मुझ पर मेरे वालदैन का इनाम किया और ये कि वो अमल करूँ जो तुझको पसंद आए, मुझको अपनी रहमत से अपनी नई बंदों में दाखिल फरमा दे। अब वो मलका सभा का कभी मैं पहले आपको जिक्र भी किया, आखिरी बार किया था कि उन्होंने अपने इल्म के जरिए जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की वजीज है कि उन्होंने वो तर्ज मलका सभा करा के हाजिर कर दिया। तो सूरह सभा भी इसमें कुछ बड़ा कस्सा है, तो मलका सभा का कस्सा कुछ कुरान में यूँ है। कुरान करीम में सूरह नमल सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सभा का एक वाक़ा कदर तफसील से बयान किया सूरह नमल में, जो अपने तफसील और जज्बी वाक़ात के लिहाज से बहुत दिलचस्प और पैदाशुदा नतज पे नज़र हम बहुत ही अहम तारीखी वाक़ है। और इस वाक़ी की तफसीलात जो मौरखीन ने लिखी है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अज़ीम लश्कर और बेमिसाल दरबार में इंसानों के अलावा जिन और हैवानात के दरबारी खिदमात के लिए फौज दर फौज हाजिर रहते थे और अपने अपने मरातब और मौजूद खिदमात में बिला चूँ और चला ताब फरमान। एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार सुलेमानी में पूरे जाहो चश्म के साथ मुनक़द हुआ और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जायजा लिया तो हुदूद खुद बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, आपने देखा होगा हुदूद ताज उतर एक अपनी जगह पर गैर हाजिर पाया और शासन में मैं हुदूद को मौजूद नहीं पाता, अगर वाकई वो गैर हाजिर है तो उसकी ये बेवजह गैर हाजिर सब काबिल सजा है, इसलिए या तो उसे सजा और आप दूंगा या दुआ कर डालूंगा, वरना या फिर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह पता है। दादा वफा नहीं हुआ था तो हुदूद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पर उस पर कहने लगा, मैं एक ऐसी यकीनी इत्तला लाया हूँ जिसकी खबर आपको पहले से नहीं, और वो ये कि यमन के इलाके में सबा एक मक्का रहती है और खुदा ने उसको सब कुछ दे रखा है, उस वक्त तक सल्तनत अपनी खास खूबियों के एतबार से अजीम शान है, मक्का और उसके पाँव आफ्ताब परस है और शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है और वो मालिक कायनात और परवरदिगार आलम बैतुल्लाह शरीफ की परस्तिश नहीं करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदूद की इस बात से, अच्छा तेरा असल झूठ का इंसान अभी हो जाएगा, अगर सच्चा है तब मेरा एक खत ले जा और उनको पहुंचा दे और इंतजार कर वो इसके मुताबिक क्या मक्के की गोद में एक खत गिरा, तो उसने इसको पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहने लगी, अभी मेरे पास एक मौजूद खूब आया है जिसमें दर्ज है ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है, तुमको हम
पर सर किसी शर्मंदगी का इजहार नहीं करना चाहिए। और तुम मेरे पास पिता के फोन होता उसने मुँह करा सुनवाया था मेरे को, पर जब वो भले पत्ती इबारत पढ़कर कहा मैं मेरे कहने दौलत उसके दरबारी में मैं करूँगा। तुम जानते हो मैं अहम मामला में तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई इंतजाम नहीं करती, इसलिए तुम मशवरा दो मुझको क्या करना चाहिए। अरकान दौलत ने कहा जहाँ तक मरबूब होने का ताल्लुक है किसी कभी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बदतर ताकत और जंगी कोत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो फैसला आपके हाथ में जो मुनासिब है सबने वो कीजिए। मलका ने कहा बेशक हम ताकतवर और सहाबी शौकत जरूर हैं, लेकिन सलाम के मामले में हमको अजालत में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हमको उसकी पूर्व तो ताकत का अंदाजा करना जरूरी है, क्योंकि जिस अजीब भरी तरीके से हम तक ये पैगाम पहुँचा है वो सब सबक देता है कि सलमान के मामले में सोच समझ कर कदम उठाना मुनासिब है। मेरा इरादा यह है कि हम काफी करवाना करूँ और सलमान इस्लाम के लिए उमदा और पेशवा तवायफ में बहाने से उसकी शौकत वजमत का अंदाजा लगा सकेंगे, और ये भी मालूम हो जाएगा कि वो हमसे क्या चाहता है। अगर वाकई वो ज़बरदस्त कुत शौकत का मालिक और शहनशाह है तो फिर उससे हमारा लड़ना फजूल है, बल्कि सामान्य देगा। इसलिए साहब ताकत शौकत बादशाहों का दस्तूर है, जब वो किसी बस्ती में फातहाना रलवे के पर काबिल होते हैं तो शौर को बर्बाद और बादशाहियों को जदी और फार करते हैं, इसलिए ये बेवजह बर्बादी मोल लेने जरूरी नहीं। जब मलका सभा के काफिर तवायफ के लेकर सलमान इस्लाम की तस्वीर हाजिर हुई उन्होंने फरमाया तुमने और तुम्हारी मलका ने मेरे पैगाम का मकसद गलत समझा, क्या तुम ये चाहते हो कि हदियों के अलावा जिनको तुम एक बार समझकर दौड़े बहुत मशहूर हो रहे मुझको फसलाओगे, और अगर तुम देख रहे हो अल्लाह ने मुझको जो इज्जत मराब समझिए तो मुकाबले में तुम्हारी ये एक बार दौलत पतन बिल्कुल हेच है। ज़्यादा तुम अपने हदिये वापस ले लो और मैं मलका से कहूँ अगर उसने मेरा पैगाम कामिल नहीं की और मैं ऐसे अजीमशान लश्कर के साथ सभा वालों को तब पहुँचूँगा तो तुम उसके मुदाफत और मुकाबले से आज ही रहोगे और मैं तुमको जरिए रुफा करके शहर को लेकर दूँ। फासूजों ने वापस जाकर मलका सभा के सामने ये पूरा सलमान ने कहा था पूरा सब कुछ ध्यान फरमाया और शौकत का अजमत जो उन्होंने मुशाहदा किया था उनके दरबार में जाकर वो भी हुर बहुत उन्होंने कह दी, और उन्होंने बताया कि हुकूमत जो है इंसानों की नहीं है जिन्होंने हैवानात पर भी उनकी हुकूमत है। तो मलका सभा ने जब सुना तो तय कर लेकर सलमान एहसान को लड़ना अपनी हलाकत को दावत देने बेहतर यह है कि उस दावत को लपे कहा जाए। और सलमान इस्लाम के मकतूब ग्रामीण में जिंदा भी था, चूँकि मलका सभा सलमान इस्लाम के तीन और मदद से नाकिफ थे इसलिए उसने लव मुसलमिन को लघु मानने पर महमूद करते हुए के काहिर बादशाहों की तरह सलमान इस्लाम ने मकसद यही है मैं किफा और गाली और शान हुकूमत का इतराफ करते हुए उसके महासत हो जाना कबूल कर लूँ। लिहाजा उसने तय करके सफर करना शुरू किया और सलमान इस्लाम की खत्म में रवाना हो गया। और सलमान इस्लाम को वही के जरिए मालूम हो गया था मलका सभा हाजिर खदमत हो रही है, तब आपने अपने दरबारियों को मुखातर करके समझाया कि मैं चाहता हूँ मलका सभा के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त शाही उठा कर यहाँ ले आया जाए तो मैं कौन है हुकूमत को अंजाम दे सकता है। मैंने पहले आकर किया था पर वाकई का मतलब आपने भी आ गया पपा ये सुनकर एक व्यू पैकर जिनने कहा आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ला सकता हूँ, मुझको ताफत आते दरमियान उसके पेशवा सामान के लिए अमीन हूँ हरगिज कायनत नहीं करूँगा। जो पैकेज जिनके दावा सुनकर सलमान इस्लाम के वजीर जो आसिफ बन के मैंने उनको नाम बताया ना कहा कि मैं आँख चपकते इसको आपके सलमान से पेश करता हूँ। अगर सलमान इस्लाम ने रुख पेश कर देखा उम्र का सभा तख्त मौजूद पैसमाने लगे कि मेरे परवरदिगार का फर्ज करम है, मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनना हूँ या ना बख्श ना फरमान। और हकीकत तो यह है जो शख्स उसका शुक्रगुजार होता है वो अपनी दात को नफा पहुँचाता है और जो नाफरमानी करता है खुदा की नाफरमानी दीजिए परवा और उसके बाद खुद नाफरमानी करने वाला ही इस वबाले जान में पड़ जाता है। तो खुदा तआला के अदा शुक्र के बाद सलमान तौर पर हुक्म दिया इस पर हैबत में कुछ तब्दीली की जाए मलका सभा का तख्त पर। मैं देखना चाहता हूँ मलका सभा देख कर हकीकत मतलब इस शख्स की जो तख्त की जो हैयत है मतलब तख्त की जो अरेंजमेंट्स हैं उनको चेंज किया जाए ताकि मलका सभा जब आए तो पहचानती है कि नहीं पहचानती है। तो मलका सभा देखकर हकीकत की तरफ मायर होती है यानी उसके बाद मलका सभा परमान इस्लामी खुद में पहुँच गई
मेरे दरबार में हाजिर हुई तो उसने दरियाफ्त किया, क्या तेरा संग ऐसा ही है? अकन मिनका ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है गोया वही है, तब की साहब और मजबूरी हैसियत ये बता रही है मेरा ही तख्त है। कदर हैयत की तब्दीली, कदर हैयत की तब्दीली इस यकीन में तब्दीली पैदा कर रही है, इसलिए ये नहीं कह सकती यहाँ मेरा ही तख्त है। मलका समान साथ ही ये भी कह दिया, मुझको आपकी बेनजीर और अजीब उन मसीह वो ताकत का पहले ही से हो चुका है, इसलिए मैं मुती और फनदार बनकर हाजिर खदमत हुई हूँ। और अब तक का ये महरुल कौल मामला तो आपके लासानी ताकत का ताज़ा मुजाहरा है और हमारी अतात के लिए मजीद ताजियाना, इसलिए हम एक मरतबा आपके इजार मफादी मौसमदारी करते हैं। मलका ने यकीन कर लिया फरमानदार ने कहकर सलमान के पैगाम की तामीर कर दी और उसके मखल को पूरा कर दिया। मलका की मशीकाना जिंदगी राफ्ताब पर थी, मिना आई और सलमान सलाम के पैगाम की हजरत समझ सके और हदायत जाने कामदान हो सके। इसलिए जब बाबा सलमान सलाम ने इजार मकसद के लिए दूसरा सफी तरीका इख्तियार फरमाया और फिर उन्होंने जुनों की मदद से आलिशान शीश महल तैयार कर लिया, जो आप जीने की चमक कसर की रफ्त और अजीब व गरीब सनत कारी कर आप से ये नजीद तरफ में दाखिल होने के लिए सामने से ध्यान पड़ता था, जिसने बहुत बड़ा हौस खुदवा का पानी से लबरेज कर दिया और फिर शफा व तीनों और बलोर के टुकड़ों का सर नजीब तरह बनाया। देखने वाले की निगाह टुकड़ों का कर यकीन कर लेती कि सहन में साफ और शफाफ पानी फैलाया। उन्होंने जो महल बनाए उसके सहन में उन्होंने एंट्रेंस पे जो तालाब बनाया बहुत ही बहुत जरूरी है कि शिशु से उसको उस तरह मंजन कर दिया जिससे लगता था कि अगर उसको पाँव रखें तो लगता था पानी पे पाँव रखा, लेकिन वो पानी नीचे था उसके ऊपर के उन्होंने। और मलका सभा से कहा गया सत्र शाही में कायम करें, मलका सभा सामने पहुंची तो शफाफ पानी रहता हुआ नजर आया। इस तरह मलका ने पानी में उतरने के लिए कपड़ों को थोड़ा सा उन्होंने पानी उठे उठाए ऊपर उठाए और सुल्तान साहब ने फरमाया कि जरूरत नहीं पानी नहीं है, सारे का सारा महल इनका खूबसूरत सहन में चमकता हुआ आपकी है। तो नाजिन ये सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सभा के मुकालमात और ये वाकया जो हैं अभी जारी हैं और इस वक्त हमारे सिलसिले का जो है प्रोग्राम का जो है वक्त खत्म हो चुका है। ये अगर सफर का तो इंशाल्लाह हम कल दोबारा इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। तो अभी आपको इजाज़त दीजिए अपने खादिम सैयद किरमानी को और उसके बाद आप जो है प्रोग्राम लाइव फरमाएंगे रिपीट टेलीकास्ट से। बड़ी फरमाइश आई है बिस्ला जहरा की कि उन्होंने जो खाना हमारा कुकिंग शो होता है आज पक रहे हैं क्या, उन्होंने जो खास खास चीज़ें लगाई थी हम लोग उसको दोबारा देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ फरमाएँ। और इस शो के बाद जो है मैं फिर आपसे हाजिर होगा कि ले जाइएगा और देखते रहिएगा लाइव TV.TV पे नए ट्रांसमिशन।